गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद के बाद से जो तनाव शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले चीनी सामानों के बैन पर सोशल मीडिया में मचा हड़कंप, फिर कारोबारियों के चीनी सामान के बहिष्कार के बाद अब दिल्ली कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के इस कैंपेन का समर्थन करते हुए दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के बजट होटल और गेस्ट हाउस में अब चीनी नागरिकों और टूरिस्ट को न ठहराने का फैसला किया। इस फैसले के बाद अब चीन के नागरिक दिल्ली के किसी भी बजट होटल में नहीं रुक पाएंगे। दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। कैट चीनी सामान के खिलाफ अभियान काफी तेजी से बढ़ा रहा है और इसी सिलसिले में कैट अब ट्रांसपोर्ट, किसान, हॉकर्स, छोटे उद्योग, महिला कामगारों के राष्ट्रीय संगठनों से जुड़कर उन्हें भी इस अभियान से जोड़ेगा। इसके अलावा कैट चीन को सबक सिखाने के लिए दिसंबर 2021 तक चीन से आयात होने वाले सामान में 1,00,000 करोड़ रुपए की कमी करने की बात कह चुका है। इसके साथ ही मेड इन इंडिया चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के रास्ते खुले। इस बीच चीनी सामान का बहिष्कार जारी रहेगा। भारत और चीन में तनातनी के बाद एक सर्वे के मुताबिक देश के 78.2% लोग चीनी प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हैं, लेकिन 31.8% लोगों ने इसका कोई खास असर न होने की बात कही। उनका कहना है कि चीन से हमेशा की तरह व्यापार होगा, जहां लोग चीनी प्रोडक्ट्स को खरीदते रहेंगे। जाहिर है भारतीय सीमा में घुसपैठ और जवानों की शहादत के बाद लोगों के अंदर चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है और इसीलिए कारोबार घटाने को चीन के लिए सबसे बड़ी चोट माना जा रहा है।